गोबर डाला हुआ है बकरी का गोबर, और इसको किनारे किनारे खुरपी के सहायता से पहले से भी नमी है। दोस्तों जोहार, अभी मैं अपना तालाब किनारे वाला बगान में हूँ। यहाँ पर अभी एक चीज़ दिखाना चाहेंगे आप लोग को, ये जो टमाटर लगा हुआ है ये इसमें केमिकल रहित है, केमिकल सल्फेट नहीं लगा हुआ है। तो ये अभी मिट लगा करके 20 दिन लगभग हो रहा है और मिट्टी हल्का नहीं किया गया है, तो अभी मैं इसका मिट्टी हल्का करूँगा। तो इस प्रक्रिया को आप लोग देखिए और आगे कैसे होती है वीडियो में बने रहिए। यदि इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देख करके लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे प्रक्रिया देखते हैं ये टमाटर की खेत को मिट्टी हल्का करने के लिए। पहले जो ये टमाटर लगा हुआ है इसके नीचे में तो सूखा पत्ता सब गिरा है, ये चीज़ सब पहले क्लीन कर लेते हैं। जैसे ये सब हर टमाटर के नीचे में पत्ता, सूखा पत्ता गिरा हुआ है क्योंकि ऊपर महुआ का पेड़ है, इसीलिए पत्ता यहाँ पर ढका हुआ है। ये पत्ता को पहले साफ़ कर लेते हैं, देखिए सब जगह पत्ता गिरा हुआ है, पत्ता को पहले साफ़ कर लेते हैं। इसमें अभी पत्ता गिरा हुआ है, ये पत्ता को साइड कर लेते हैं। और पत्ता साफ़ करने के बाद इसमें अभी ये बकरी का गोबर हल्का हल्का दे रहे हैं, इसमें केमिकल नहीं दे रहे हैं, ये यूरिया डीएपी सल्फेट नहीं दे रहे हैं, हल्का हल्का बकरी का गोबर दे रहे हैं। इस तरह से देखिए ये गोबर है, इसको हल्का हल्का किनारे किनारे डाल करके इसको हम हल्का कर दे रहे हैं। ये डाल दिए हैं, अब मिट्टी को हल्का कर रहा हूँ। अब देखिएगा नज़दीक से कि मिट्टी हल्का का प्रक्रिया कैसी चल रही है। तो ये टमाटर का पौधा है, अब गोबर डाला हुआ है बकरी का गोबर, और इसको किनारे किनारे खुरपी के सहायता से इसको ऐसे हल्का कर दे रहा हूँ ताकि टमाटर का जड़ ज़मीन के अंदर में आराम से फैल सके। इस तरह से ये एक टमाटर के पौधे का मिट्टी हल्का हो गया है। ये हल्का किया हुआ मिट्टी में पानी डाल देते हैं ऐसे करके हल्का हल्का, पहले से भी नमी है तो हल्का हल्का पानी डाल देते हैं। तरह से सभी टमाटर का पौधा जो हल्का हुआ है इसमें पानी डाल देते हैं। इसी तरह से ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और ये जो अभी जो टमाटर का जो मिट्टी हल्का किए और पानी डाल दिए, ये काम अभी कंप्लीट हो गया है। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देख करके लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद।